हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टरेक। मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह और हम लोग रियल एस्टेट में डील करते हैं पूरे गुड़गांव के अंदर। सुशांत दो फेज़ वन, सुशांत दो टू थ्री, डीएलएफ फेज़ वन टू थ्री फोर फाइव, सारे हुडा के सेक्टर्स में, पालम विहार और साउथ सिटी वन साउथ सिटी टू। तो अगर आपको कोई भी रियल एस्टेट के बारे में, कोई भी बिल्डर फ्लोर के बारे में अगर आपको रिक्वायरमेंट हो या उसके बारे में पूछना हो तो आपके पास नीचे दिया हुआ नंबर है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम आए हैं सुशांत दो फेज वन के अंदर। काफ़ी बढ़िया बिल्डर फ्लोर है, 260 स्क्वायर यार्ड का साइज है, काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है, टॉप नॉच काम किया हुआ है। आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा, देखें इस तरीके से वुडन वर्क टॉप नॉच है, वर्कमैनशिप टॉप नॉच है, प्रॉपर पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है। जब घर अच्छा मिलता है ना तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, तो एनर्जी आपको नज़र आई होगी कि हल्का सा पीछे से काम जो आप देख रहे हैं इस तरीके से बहुत ही एलिगेंट फिनिशिंग है। तो स्टार्ट करते हैं 3 BHK प्लस वन, आप इसको छोटा सा ऑफिस समझ लें, स्टडी ले लें, काफ़ी स्पेशियस है, अच्छा साइज़ है, आप उसको छोटा बेडरूम भी बना सकते हैं। और जो बेडरूम और वॉशरूम्स हैं बहुत नीट बनाए हैं, फिनिशिंग आपको नज़र आ जाएगी। 3 फ्लोर इसमें अवेलेबल है, सेकेंड थर्ड फोर्थ टॉप फ्लोर भी इसमें अवेलेबल है। तो काफ़ी सारे लोग, जिन लोगों को खाली टॉप फ्लोर की रिक्वायरमेंट है तो ये घर आपका हो सकता है। तो प्लीज़ दिल थाम के ये वीडियो जरूर देखना। फिनिशिंग जो लास्ट वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट उसी टच की फिनिशिंग है, बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है। प्रॉपर पार्क फेसिंग अप्रोच की बात करूँ, MG रोड पास में है और आपका गोल्फ कोर्स रोड पास में है। स्कूल की बात करूँ तो DPS पब्लिक स्कूल पास में है, शैलोमिल्स इंटरनेशनल स्कूल पास में है, MIT पास में है, शिवनादर पास में है। और हॉस्पिटल की बात करूँ तो मैक्स हॉस्पिटल पास में है, ओटिस पास में है, पारस हॉस्पिटल पास में है, मेदांता पास में है। और मार्केट्स की बात करें तो व्यापार केंद्र, गलेरिया, सुपरमार्ट वन, सुपरमार्ट टू और बहुत सारे व्यापार केंद्र, रॉफ पॉत्रिको, सारे मार्केट्स पास में है, क्योंकि गुड़गांव का हार्ट है। DLF फेज़ टू, सुशांत वन, DLF फेज़ वन, ये पूरे गुड़गांव का ना हार्ट है। जो भी जनता, जो भी पब्लिक दिल्ली से आती है घर, जो भी बायर्स हैं, वो उनका पहला टारगेट होता है कि उनको ये प्रॉपर्टी, बेहतरीन प्रॉपर्टी, बेहतरीन लोकेशन में मिल जाए। तो लोकेशन ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, 260 स्क्वायर यार्ड का साइज, 3+1, ऑलमोस्ट फोर्थ भी काउंट कर सकते हो, बट 3+1 मैं बोलूँगा क्योंकि फोर्थ जो है उसको स्टडी ही मान सकते हैं, उसको बड़ा बेडरूम नहीं मान सकते। तो आए दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रॉपर पार्क, बिल्कुल मेंटेन पार्क है, मानता हूँ थोड़ा सा छोटा ज़रूर है बट बिल्कुल आपके घर के सामने ये लोकेशन पड़ती है, प्रॉपर पार्क फेसिंग घर। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर, इस तरीके से प्रॉपर फ्रंट। ये ना फिक्स एलिवेशन है, इसमें कुछ आपको कभी पेंट नहीं कराना, पूरा ग्रेनाइट और HPL के साथ आपने काम किया होगा, कहीं पेंट का काम इसमें नज़र नहीं आ रहा। और इस तरीके से एंट्री है, बहुत ही प्यारी पार्किंग का स्पेस, और ये सारी सेंसर लाइटनिंग है। पीछे के अंदर आपको सर्वेंट रूम दिए हैं, अब ये चीज़ बहुत प्लस है कि आपको ये जो सर्वेंट का स्पेस है वो विजिबल नहीं है, नहीं तो काफ़ी सारे बिल्डर बीच में गेट देते हैं और आपको वो बहुत अजीब लगता है। अभी पार्किंग साफ़ हो रही है, पेंट का फिनिशिंग वर्क चल रहा है, तो सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, पूरा लोडेड है। और इस तरीके से ये सेंसर लाइट्स दी हुई हैं, स्पेस बहुत वाइड, बहुत ब्रॉड है, और ये आपका प्रॉपर पार्किंग का स्पेस, और पूरा ग्रेनाइट का काम किया हुआ है, शिंडलर की लिफ्ट और ये फ्रेमिंग। कुछ जो मुझे अभी इसमें नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे एक लॉबी को क्रिएट करना चाहिए, इसमें ग्लास पार्टीशन आ जाए तो थोड़ी लुक और इन्हेंस हो जाएगी, ये सजेशन हम बिल्डर को दे सकते हैं। तो आइए अब हम लेके चलते हैं आपको ऊपर के फ्लोर पे। इस तरीके से इसकी मेन एंट्री, ब्रॉड एंट्री है। एक्चुअल में इसकी जो एंट्री है ना उसमें सेंसर लाइट लगी हुई है, तो अभी आपको ऑलरेडी मेरी नज़र आ गया होगा, बंद हो गई होगी, मैंने हाथ आगे करा तो ओपन हो गई।
तो ये तकरीबन ग्रैंड फील देता है 418 इंच के साइज जैसी, और एंट्री करते ही ये प्रॉपर नेचुरल वुड में इन्होंने मैट फिनिशिंग के अंदर इसकी फिनिशिंग रखी हुई है, और ये लिफ्ट और बेहतरीन एंटीक हैंडल इसका, और ये येले का डिजिटल लॉक है, फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ है। तो अब देखो लाइट बंद हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहा है। जैसे हम एंट्री करते हैं तो आपको एंट्री पे ही प्रॉपर ड्राइंग डाइनिंग मिलता है आपको, बहुत ही लेंदी बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस है, और पूरी बैक वॉल वुडन से पैनलिंग की हुई है, सामने मार्बल का काम किया हुआ है, यहाँ पे आपका वुडन फ्रेमिंग है, कंसील लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं, और इस तरीके से नजर आ रहा हूँ। यहाँ से मेन एंट्री है, मेन एंट्री से ये आपका ड्राइंग डाइनिंग आ गया, इस तरफ आपका फर्स्ट बेडरूम आ गया, सारे एसीज आपके सामने लगे हुए हैं, सारे मास्टर पीसीज आप सामने आपकी वॉल पे नजर आ रहे होंगे, हाईलाइट कर रखे हैं, और इस तरीके से किचन है आपके एंट्री करते लेफ्ट में, ये आपका पैसेज और फर्स्ट बेडरूम जो छोटा वाला मैं बता रहा था आपको, सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम, और फ्रंट में फोर्थ है। तो आप इसको फर्स्ट को जो मैंने कहा इसको स्टडी मान के चलें, इस तरीके से आपका प्रॉपर फॉल सीलिंग बहुत डिसेंट बहुत असी फिनिशिंग दी हुई है, और ये आपके सामने पूरा इटालियन, वेरी नाइस। आपके सामने ये अटैच्ड बालकनी, और ये आपके सामने पार्क, मेंटेन पार्क है, और ये तकरीबन 3.5 फीट वाइड बालकनी है। इस पूरे एक्सटीरियर में आपको कहीं पर भी पेंट का काम आपको ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, आपके छोटे छोटे काम आपको जो ग्रे कलर है बस वही नज़र आ रहा है, उसके अलावा सारा ग्रेनाइट और HPL का काम किया हुआ है, और ये है वुडन प्लास्टिक कंपोजिट WPC, और इन्होंने UPVC नहीं है, ये टैगो का एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं जो बहुत ही प्यारा बहुत ही हाई एंड लुक देता है, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है ये फिटिंग। अब इसको हम कर देते हैं लॉक। कमियों की बात करें तो ऐसे कमी कहीं नहीं है, बट इसमें एक थर्ड आपको जो इसका जाली का वो आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा, या बिल्डर से हम बात करी जा सकती है। तो अब हम ड्राइंग रूम को देखते हैं, ये पूरा टाइल का वर्क है, काफ़ी हैवी लग रहा है, मार्बल टच की टाइल्स हैं, और ये प्रॉपर सेटिंग, सारे एसीज आपको मिलते हैं, इन्वर्टर एसीज हैं डाइकन के, और ये आपका प्रॉपर डाइनिंग का एरिया, और ये आपका प्रॉपर ड्राइंग रूम। और अब हम आपको लेके चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में, नेचुरल लाइट भर भर के आ रही है, तो थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है। सामने की तरफ हाइलाइटेड वॉल ग्रे और ग्लास के साथ मर्ज किया है, ये वुडन के ऊपर करा हुआ है, पूरा काम बहुत बढ़िया लग रहा है, डिसेंट फॉल सीलिंग, और पूरा देखना लाइट, जो बंदा कहता है ना नेचुरल लाइट नहीं आती, ये देखो पूरा फ्रेम वर्क किया है, अपार्टमेंट लुक का लेआउट है ये, बहुत लोग मांगते हैं इस तरीके के लेआउट, डाइकन का एसी, और इस तरीके से इसका डिजाइनर वॉशरूम, इस साइज में इतना बढ़िया वॉशरूम बहुत मुश्किल से मिलता है, विट्रा जैक्वार, और आपके सामने बढ़िया सा ग्रैंड मिरर और प्रॉपर फ्रेम दिया हुआ है, ये डुअल डायवर्टर है जैक्वार का, सामने ऊपर की तरफ शॉवर, ये पीछे आपके चीजें शैम्पू वगैरह सोप रखने की जगह, और वैनिटी बहुत ही प्यारी, और सामने आप इसका देखें वुडन वर्क, बहुत ही प्यारा वुडन वर्क है, इसके अंदर लाइट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं कोई कमी मिल जाए, बट नो डाउट काम सच में बहुत डिसेंट है, बस ये है कि फैन चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फैन चला तो दिक्कत नहीं आ रही। ओके,
तो बहुत मार्जिन ऑफ एरर है, पर नो डाउट नहीं लग रहा, मुझे लगा कि एक बार लग ना जाए। तो ये भी चेक आउट हो गया है, काम बहुत अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे आपको माइनर माइनर ग्रूव्स नजर आ रहे हैं, ये फैक्ट्री मेड आपकी वार्डरोब्स हैं, और इसके ऊपर रोज गोल्ड कलर का जो हैंडल है ना, बहुत स्लीक, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे अगेन डोर, ये जो विनियर लगा है ना इसके ऊपर, बहुत ही प्यारा। और ये आपका ब्रास का इनले वर्क, जो फ्रंट की बालकनी जो मैंने आपको दिखाई है, वो दो तरफ से इसको एक्सेस मिलता है, एक आपका बेडरूम से और एक आपका ड्राइंग डाइनिंग से। अब हम चलते हैं इसके अदर पार्ट पे। इस तरीके से इसकी ग्रैंड किचन, ऑलमोस्ट ये ओपन का फील देती हुई, ये है ओपन ही पर थोड़ा सा हाइड करके हुई है इसको, इस तरीके से डब्ल्यूपीसी, वेरी नाइस। अगर हम यहां से देखें तो एकदम आपको ओपन का फील दे रहा है किचन। रेफ्रिजरेटर का प्रॉपर स्पेस है, और ये आपका माइक्रोवेव ओटीजी, ये आपका ब्रेकफास्ट काउंटर, बहुत स्लीक, बहुत एलिगेंट फिनिशिंग में। सामने की तरफ मैट फिनिशिंग में, वाओ, सामान सारा दिया हुआ है। कंसील लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स, कैफ का चिमनी, कैफ का ही हॉब है, फोर बर्नर हॉब, और ये कैफ की माइक्रोवेव और ओटीजी। इस तरीके से टॉल यूनिट, यहाँ पे भी इनका शाफ्ट दी हुई है, हैट्रिक ऑफ फ्रेम्स हैं इसके। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं रेगुलर, तो प्लीज आगे जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बहुत एनर्जी लगती है आपको अच्छे अच्छे घर दिखाने में, ढूंढने में टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो ये वीडियो जो ये जो लाइक मैं आपसे मांग रहा हूँ ना, ये मेरे लिए नहीं, ये एक्चुअल में मेरी टीम के लिए मुझे चाहिए, जो लोग आपके लिए बेहतरीन मेहनत करते हैं आपको अच्छे अच्छे घर दिखाने में और आपको दिलाने में। लाइक बनता है मेरे लिए नहीं, टीम के लिए बनता है। तो ये मैंने आपको किचन दिखाया, बहुत बढ़िया किचन है, ये सिंक कैरासिल का है, और ये डिजाइनर मिक्सचर है इसके ऊपर, जैकवर का ही है, इस तरीके से ऑपरेट होता है, पानी आ रहा है। तो स्टोरेज ऑलमोस्ट बढ़िया है, काम अच्छा किया हुआ है, और ये पैसेज जो आपको मैंने बोला, ये पूरा डब्ल्यूपीसी का काम है। और ये आपका छोटा स्टडी ऑफिस, आप इसको कुछ भी समझें। ये रूम को मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ढंग से कि इस रूम का क्या बेनिफिट है और क्या इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर पूजा का स्पेस दिया इन्होंने, ठीक है जी। और ये आपका बेडरूम, इस तरीके से काफ़ी वाइड है, ये काफ़ी बड़ा है, और सामने की तरफ ग्लास के साथ छोटे छोटे शेल्फ, आपकी फोटोज, सीनरी, और इस तरीके से फॉल सीलिंग है। और ये बेड की बैक, बैक में वुडन का काम, ग्लास के साथ दोनों मिरर्स आमने सामने नजर आ रहे हैं, दोनों को बिल्कुल रेप्लिका है, जितना सेम इस साइज में है वही आपके सामने यहाँ पे है। यहाँ पे आपका एलसीडी पैनल का स्पेस, बैक साइड की बालकनी, और ये प्रॉपर वुडन बैक दिया हुआ है इन्होंने, और एसीज आपके सामने हैं, और ये इसके साथ इसका कनेक्टेड वॉशरूम। इस तरीके से बहुत ही प्यारा काम, ये आप देख सकते हैं, इटालियन विट्रा जैक्वार, और ये आपके सामने एलईडी लाइट वाला मिरर, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ग्रैंड है। और इन्होंने देखें टाइल्स टॉप टू बॉटम लगाई है, और इसमें ब्रास का इनले वर्क है, और बड़ा प्यारा काम किया हुआ है, अगेन विट्रा गैब्रिएट। ये वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, इसमें बाथ का स्पेस भी बहुत बड़ा है, जैक्वार की फिटिंग लगी हुई है, जैक्वार, और ये वॉशरूम बहुत ही प्यारा है, काफ़ी लंबी है, नीचे वैनिटी बहुत ब्यूटीफुल लगी हुई है।
और ये देखना टाइल्स, टाइल्स कितनी प्यारी है, ये हाई ग्लोसी में है। ये आपकी बैक साइड की बालकनी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप बोलेंगे कि अभी वुडन का वो नहीं दिखाया अलमीरा, वो भी दिखाऊंगा। ये आपकी बैक साइड की बालकनी, पूरा आयरन का फ्रेम ऊपर से नीचे तक लगा हुआ है, काफ़ी ढका हुआ है। और इसको भी अभी इसमें ग्रीनरी, जो आर्टिफिशियल ग्रास है वो भी मिलेगी आपको। और यहाँ पे वॉशिंग एरिया, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है मेरे को, जब तक ये एक्सटेंड नहीं होगा तब तक आपके यूज़ में कम आएगा। बैक साइड काफ़ी बढ़िया है। अम्मे की तरफ भी आपकी 3 सेक्शन वार्डरोब देख सकते हैं। इस तरीके से वार्डरोब है, 3 सेक्शन वार्डरोब। ओके, एसी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये बेडरूम मैंने आपको पूरा दिखा दिया। डिसेंट फॉल सीलिंग है, डिसेंट लाइट है, नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा है, आगे और पीछे तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वेस्ट फेसिंग घर है, नॉर्थ की एंट्री है तो इसमें। और ये आपका लास्ट बेडरूम, और सामने बेड की बैक बहुत ही प्यारी फिनिशिंग, मार्बल टच में फिनिशिंग दी है, बट ये टाइल्स लगी हुई हैं और इनबिल्ट की हुई हैं वॉल में। सामने की तरफ 5 सेक्शन वार्डरोब्स, प्रीमियम फिनिशिंग वार्डरोब्स में इनकी। डायकन का एसी, एलसीडी पैनल का स्पेस, और ये वही कनेक्टेड बालकनी है, और मैश की जाली यहाँ पे जरूर दी हुई है, फ्रंट में नहीं है। और इसके साथ कनेक्टिंग वॉशरूम प्रॉपर क्यूबिकल के साथ दिया हुआ है, और इसकी टाइल्स बहुत ही प्रीमियम ब्राउन कलर के अंदर है, जैक्वार जैक्वार। और ये आपके सामने टाइल्स, अब आपको मैं दिखाता हूँ कुछ बेहतरीन चीज़। प्रॉपर ग्रैंड मिरर, काफ़ी बड़ा टॉप है, जो हैंडल हैं आपके सारे गोदरेज के हैं, इसका ये प्रीमियम ब्रांड आता है, रोज गोल्ड कलर में है। और ये विट्रा अगेन गैबलेट ब्रांड को कहीं पर उन्होंने जो भी चीज़ बेस्ट है कहीं पर भी उन्होंने छोड़ा नहीं, ब्रांड को अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ यू प्लेसमेंट चाहिए वहाँ वहाँ पे इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट है, ये आपका वेंटिलेशन के लिए, और ये आपके नीचे वैनिटी का स्पेस। और ये देखना आप, इसकी जो बैक साइड भी जो है ये प्रॉपर ब्रास का इनले वर्क की हाईलाइट कर रही है पूरी वॉल को, वेरी नाइस। तो अब मैं चलता हूँ इस बेडरूम में। अब ये जो स्टडी बोल रहा हूँ, जैसे अगर आपका ये मास्टर बेडरूम है, ये वाला मास्टर बेडरूम है, इसके साथ ये कनेक्टेड है, तो आप ये किड्स रूम भी बना सकते हैं। अगर आप ऑफिस चाहे ऑफिस क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आपका इंटरनल पैसेज हो गया, यहाँ पे आपने बंद कर दिया, ये वाला डोर आप क्लोज कर देते हैं तो ये आपका इंटरनल पैसेज हो गया, जो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप एक किड्स को रात को आपको देखना हो तो आप छोटे बच्चे हों तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो उसको एक्चुअल में मल्टीपर्पज़ रूम कहा जा सकता है, क्योंकि इस रूम को एक्सेस उधर से भी है, उधर का वॉशरूम भी मिलता है आपको, वॉशरूम चाहिए वॉशरूम मिल गया, बेडरूम के साथ कनेक्टेड है, तो जो आपके किड्स हैं वो आपके साथ रह सकते हैं, आप उनका छोटा सा स्टडी बन सकता है, तो अच्छी चीज़ है। आप इसको फिक्स करना चाहें, आपको फिक्स हो जाएगा तो आपका इंटरनल एक्सेस रह जाएगा, तो वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी चाहें। आई होप कि आपको घर अच्छा लगा हो, काफ़ी मेहनत करते हैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाने के लिए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया घर ढूंढ के लाते हैं हम आपके लिए, और बढ़िया काम करने की कोशिश करते हैं कि आपको इतना एफर्ट हम अपनी वीडियोस में डालें कि आपको आते वक्त जब आप जो इसका टूर करें तो विजुअल जब आप देखें आँखों से तो आपको वो चीज़ समझ आए। तो आई होप ये घर आपको अच्छा लगा हो, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है, बढ़िया काम किया हुआ है, वर्कमैनशिप में कहीं कमी नहीं है, टॉप नॉच काम किया हुआ है, टॉप फ्लोर अवेलेबल है, अभी मैं आपको टॉप फ्लोर पे भी लेके चलता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बढ़िया लोकेशन है, बढ़िया काम किया हुआ है, सुशांत दो फेज 1 की प्रॉपर्टी है। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय। अब हम इसके टॉप फ्लोर पे आ गए हैं, टॉप फ्लोर तक लिफ्ट आती है इसकी, और ये आपकी टॉप फ्लोर के लिए
सेंसर लाइट्स हैं और ये आपके टॉप फ्लोर कनेक्टेड हैं। ये आपका स्पेशल जो है ये सर्वेंट रूम दिया हुआ है टॉप फ्लोर वालों के लिए, और ये आपका लॉक हो जाएगा, स्पेशियस साइज है, इसके साथ वॉशरूम है। और जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं टैंकी वगैरह के लिए, तो उनको यहाँ से एक्सेस दे दिया। रूफ दिखाता हूँ, और इस तरीके से इसकी प्रॉपर रूफ है। बट आपको रूफ में ये समझना है कि ये सारे के सारे यहाँ पे आपका ग्रीनरी पैच आ जाएगा। सामने आपके सामने DLF की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, वो सामने आपका अरालियाज, मंगोलियाज, कमीलियाज, ये सारे आपके सामने नज़र आ रहे हैं। गोल्फ रोड बहुत नियरेस्ट है, और ये सोसाइटी आपके सामने देखें, चारों तरफ DLF ने कवर किया हुआ है इसको, बहुत ही प्यारी लोकेशन। और ये आपका प्रॉपर बार काउंटर, ये आपकी पेंट्री दी है, प्रॉपर टॉप दिए हुए, बड़ी नीट चीज़ बनाई हुई है। और ये आपका बार काउंटर, और इस एरिया को आप, मैं एक्चुअली में रात को इसको शूट नहीं कर पाया, लाइट्स बहुत प्यारी लगती हैं इसमें रात को, और बढ़िया काम किया हुआ है। ये पूरा आपका गार्डन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई चेंज वगैरह कराना हो ना, तो बिल्डर से सारी बात हो रखी है, वो एग्रीड है सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप प्लांटर्स वगैरह कोई भी लगाना चाहें, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो आप उसी तरीके से आप इसको मॉडर्नाइज करा सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। ओवर द डील बैठ के हम डिस्कस कर लेंगे। वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो बेसिक काम है ना, जो आपको देना चाहिए, जो आपका रॉकेट साइंस नहीं है सजाना, बाकी जो बेसिक जो सॉलिड काम है वो आपको सारे दिए हैं। अभी इसमें प्लांटर्स नहीं लगे तो आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट आपको मैं वैसे आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा एम्पल ऑफ स्पेस है, शाफ्ट आपके सामने नज़र आ रही है, ये आपका क्लियर पैच है इस तरीके से इस पूरी, और ये जो एरिया है जो आपका स्पेशल लिया गया है वो ऊपर जाने के एक्सेस में है ना। और ये एरिया क्या है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से वॉशरूम होना चाहिए। हाँ, ये भी वॉशरूम है, और आपको एक पैंट्री मिल गई, एक वॉशरूम मिल गया, और क्या ही लोग यार, इतनी बढ़िया छत, डिज़ाइनर छत, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी, डिज़ाइनर छत, और क्या ही लेंगे सर आप।